टॉप हेडलाइंस लेकर मैं मलिक रूफ आपकी खिदमत में हाजिर। वस्ती कश्मीर के जिला गांधरबल के समामाला शालबुग इलाके में ट्रैक्टर की जद में आने से दो भाइयों की हो गई है मौत, जिनकी शिनाख्त 18 साल साहिल अहमद डार और 10 साल रमीज अहमद डार साकने शालबुग के तौर हुई। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने सदर रामनाथ कोविंद से की मुलाकात, इन्हें रूस यूक्रेन बोहरान से पैदा हुए हालात समेत मुख्तलिफ मसलों पर दी मालूमात। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर हस्पताल में इस गैस सिलेंडर फटने से कम अज कम 10 अफराद हो गए हैं जख्मी। हस्पताल के टिकट सेंटर में मुमकिन तौर पर हीटिंग गैस में लीकेज की वजह से हुआ धमाका। जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर के सनत नगर इलाके से लश्कर तैयबा जंगजू तंजीम से वाबस्ता एक जंगजू आनतकार को कर लिया है गिरफ्तार, जिसकी तौहीद से AK-47 राइफल के 10 मैगजीन किए गए हैं बरामद। यूक्रेन में हिंदुस्तानी सफारतखाने ने तमाम हिंदुस्तानी शहरियों और तलबा से कहा कि वो जल्द अज जल्द दारुल हुकूमत कैफ को छोड़ दे। ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट में लिखा, यूक्रेन में दारुल हुकूमत कैफ में रहने वाले हिंदुस्तानियों को फौरी तौर पर निकल जाने का दिया मशवरा। वस्ती कश्मीर के जिला श्रीनगर में पुलिस और जिला इंतजामिया ने मुश्तरका तौर पर मंशियात का कारोबार करने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन किया शुरू, 21 अपराध पर PSA आयद 69 के खिलाफ केस दर्ज। मुल्क भर में कोरोना वायरस के केसेस में आई कमी, 7000 से नीचे केसेस दर्ज, पिछले 24 घंटों में 6915 नए मामले आए सामने, 180 अफराद की ली कोरोना वायरस ने जान। वादी कश्मीर में सख्त तरीन सर्दियों के मशहूर चिले कलान और चिले खरद का दौर इख्तदार खत्म होने के बावजूद भी शबाना सर्दियों का जोर है बराबर जारी। महकमे मौसमियात की तरफ से पेशगोई जारी, अगले 24 घंटों के दौरान कई कई हल्के दर्जे की बर्फबारी या बारिशों का है इम्कान। टीम इंडिया ने T20 फतवात में आलमी रिकॉर्ड कर दिया बराबर, मुसलसल जीत दर्ज करके रोहित शर्मा कामयाब कप्तान साबित, T20 सीरीज जीतने के बाद रोहित शर्मा टेस्ट सीरीज में भी जीत के खवा। आज की हेडलाइंस में इतना ही, इजाजत दे, खुदा हाफिज़।